हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं एआर के सर्वाइवल इवोल्व। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कीजिए लाइक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग वीडियो फुल वॉच करिए, आज की वीडियो काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम कार्बोनेसिस को टेम करेंगे। उसका नेम काफ़ी लॉन्ग है इसीलिए मैं उसको कछुआ बोलूँगा। कार्बोनेसिस को टेम करने के लिए हमें चाहिए बो और नारकोटिक एरो। तो मैं नारकोटिक एरो भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, अभी मेरे पास फ़िलहाल 22 है, बट इतने में वो मेरे समझ से डाउन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोनेसिस को टेम करने के लिए हमें चाहिए नारकोटिक एरो। उसके लिए हमें नारकोटिक चाहिए, जो कि मेरे पास आप लोग देख रहे हो कितना है। अभी के लिए हम थोड़ा सा एरो क्राफ्ट करते हैं और थोड़ी सी नारकोटिक लेकर चलेंगे। तो नारकोटिक एरो बन चुका है, अभी हमें चाहिए वो जो कि स्टोरेज बॉक्स में मैंने रखा हुआ है, उसे हम निकालते हैं और चलते हैं उसे टेम करने के लिए। ये रहा वो, इसे हम निकालते हैं और इधर लाते हैं पहले इसको, और इसमें एमओ में फिट करता हूँ एरो। और अब चलते हैं, अभी हमें चाहिए कौन उसको टेम करने के लिए। हम पहले अपने फार्मिंग से कुछ कौन ले लेते हैं जितने में वो टेम हो सके। इतना तो लग ही जाएगा, 50 तो कम से कम लग ही जाएगा कौन। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। मैं कम लेवल का कछुआ टेम नहीं करूँगा, मुझे करीब 40-50 लेवल का टेम करना है, ताकि वो कुछ उसकी हेल्थ भी हो, वरना बहुत कम हेल्थ रहता है कम लेवल वाले। तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है ढूंढते हुए ज़्यादा लेवल का कछुआ, बट मुझे मिला नहीं। और मेरा लेवल अप भी आ चुका है, मैं सोच रहा हूँ कि अपना वेट को लेवल अप करता हूँ। ऑल राइट, और हमें इन ग्राम पॉइंट भी मिल चुके हैं। अभी हम चलते हैं अपने मिशन पर, उसे ढूंढते हैं कहाँ पर। सो गाइस, वो हमें मिल चुका है और देखते हैं कितने लेवल का है। 40 लेवल का है, इसे ही हम टेम करेंगे। और इसका रंग भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको हमें नारकोटिक एरो मारते रहना है, बहुत जल्द ये डाउन हो जाएगा। जब ये भागने लगेगा तब आप लोग समझ लीजिए कि ये बस डाउन होने वाला है एक दो एरो में। अभी तो ये मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है, बट जब ये डाउन होने लगेगा तब ये भागेगा। तो इसे और भी एरो मारना पड़ेगा, एक दो एरो और मारना है बस, उसके बाद ये डाउन। तो फाइनली गाइस, ये डाउन हो चुका है, बट इसकी मुंडी इस पत्थर में घुस चुका है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, जब इसका थोड़ा सा फूड लेवल कम होगा फिर इसको हम फिट करेंगे फूड, ताकि ये जल्दी से टेम हो जाए। अभी तो इसका टॉपर भी बहुत जल्दी घट रहा है, हमें नारकोटिक उसको खिलाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों इसका बहुत जल्दी टॉपर घट रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास नारकोटिक की भी कमी नहीं है, और हम इसको अभी खाना खिलाते हैं। ये जल्दी जल्दी 2% बस टेम हो रहा है, 2.2%। और इसको हम पीछे करने की ट्राई करते हैं एक शॉट लगाकर, फिर भी ये पीछे नहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं, मुझे थंबनेल के लिए एक स्क्रीनशॉट चाहिए था, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है इससे में स्क्रीनशॉट लेने का। 6% टेम हो चुका है, ये टेम हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा टेम। सो गाइस, कुछ देर के बाद में आया चार्लिकोथेनियम के साथ, और ये 20% टेम हुआ। मुझे करीब 20 मिनट हो चुका है, ये करीब 1 मिनट में 1% टेम हो रहा है। और इसका टॉपर भी काफ़ी घट गया था, फिर से मैंने इसको फीट किया। और मैंने ना अभी इसका सैडल भी नहीं बनाया, जो कि मैं अब इसको चार्लिकोथेनियम को फिर से बेस में रखने जाऊंगा और इसका सैडल भी वहीं क्राफ्ट करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं, अभी देख लेते हैं। इसका अभी टॉपर तो कम नहीं होगा, नहीं इसका भी टॉपर तो बहुत ज़्यादा है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी गाइस हम लोग अपने बेस के अंदर आ चुके हैं, हमें और भी थोड़ा सा चाहिए ये नारकोटिक, और हमें अभी इसका सैडल भी बनाना है, फिर चलते नीचे और सैडल को क्राफ्ट करेंगे। गाइस इसका सैडल 10 लेवल में ओपन होगा, और ये रहा 10 इंग्राम पॉइंट से ये ओपन होगा। और हमें हाइट चाहिए और फाइबर, बाकी का सब कुछ है मेरे पास, मैं जल्दी से इसे जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये रही हाइड, और ये रहा फाइबर, और ये भी है इधर। तो हम अब क्राफ्ट करते हैं इसे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये हो जाएगा क्राफ्ट। और उधर वो भी
बहुत जल्दी टेम हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्राफ्ट हो चुका है और हमें 40 एक्सपी भी मिला एक सैडल क्राफ्ट करने में। और गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये अभी 35% टेम हुआ है और कॉन्स ख़त्म होने चले, लगभग आधा ख़त्म हो चुके हैं। तो हम वीडियो को और आगे बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं गाइस इतना परसेंट ये टेम हो चुका है, अब 71% ये टेम हो चुका है और हमारे पास अभी कॉन भी है बहुत सारा। और नहीं भी होगा तो मैं कोई भी वेरिस खिला के इसे टेम कर लूँगा। और अब जल्दी जल्दी ये टेम हो रहा है, 73% ये टेम हो चुका है, लगभग अभी हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो गाइस हम काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं इधर और ये टेम हो चुका है। मैंने इसको फिर ये रेड वाली वेरिस भी खिला दी थी। अभी इसको हम सैडल इक्विप करते हैं और इसका राइड करते हैं और अपने बेस पर हम चलेंगे। तो ये काफ़ी धीमा है, किसी काम का नहीं है, राइड के लायक भी नहीं है, बहुत ही धीमा चलता है। इसका नाम भी है कछुआ, इसलिए काफ़ी धीमा है, हमें अपने बेस पर पहुँचना पड़ेगा पहले। A few moments later. So finally guys, morning हो चुकी है और वो कछुआ इधर है। इसका हमने सैडल भी बना लिया था और आते आते मैंने इतनी कुछ इकट्ठा भी कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, लाइक करना मत भूलिए।